राजा पुरुषोत्तम, जिन्होंने सिकंदर के विजय अभियान को रोक दिया था और उन्हें हिंदुस्तान की सरजमी से वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। राजा पुरुषोत्तम को हिंदुस्तान का महान रक्षक और महान योद्धा की उपाधि दी गई है। राजा पुरुषोत्तम को यूनानी लेखकों ने अपनी किताब में राजा पोरस के नाम से दर्शाया है। पोरस एक चंद्रवंशी राजा थे। पोरस के पिता का नाम ययथी था, जो कि पुरु के वंशक थे। ययथी का जिक्र महाभारत में भी हुआ है। पोरस का जन्म आज के समय के पंजाब में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। पोरस की जन्म तिथि किसी भी इतिहास की किताब में दर्ज नहीं है। राजा पोरस की हुकूमत झेलम नदी से लेकर चेनम नदी के तट तक फैली थी। राजा पोरस ने सिकंदर के खिलाफ झेलम की जंग 326 ईसा पूर्व में लड़ी थी, जो कि झेलम नदी के तट पर लड़ी गई थी। पोरस की मृत्यु की कोई भी तारीख इतिहास में दर्ज नहीं है। अंदाजा लगाया जाता है कि उनकी मृत्यु 321 से 315 ईसा पूर्व तत्कालीन पंजाब क्षेत्र में हुई थी। पोरस और उनके राज्य पर जो भी जानकारी हमें मिलती है वो ज़्यादातर यूनानी इतिहास द्वारा है, क्योंकि उस समय भारतीय इतिहास में पोरस को कोई खास जगह ना मिल सकी थी। इसीलिए झेलम युद्ध पर इतिहासकारों में आज भी मतभेद है, क्योंकि यूनानी इतिहासकार बताते हैं कि झेलम युद्ध में सिकंदर की जीत हुई थी और सिकंदर ने पोरस को माफ़ कर दिया था, पर सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि सिकंदर बहुत ही क्रूर था। वो अपने किसी भी दुश्मन को आसानी से माफ़ नहीं करता था, यहाँ तक कि उसने अपने चचेरे भाई और खास मित्र को भी नहीं माफ़ किया था। तो फिर ये कैसे मान लें कि सिकंदर ने जंग जीतने के बाद पोरस को माफ़ कर दिया था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल विकिपीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पर हर फेमस पर्सनालिटी और प्लेस के बारे में शॉर्ट मगर नॉलेजफुल वीडियो बनाते रहेंगे।